Es un perra clave, ¿no? Sí. लाभ नहीं बताता था क्या किस मुद्दे पर बताओगे? हाँ बाबा जी, उसी को रखता हूँ, उसी को कहने का कोशिश करता हूँ। हमने आपके अध्ययन में ये पढ़ा कि व्यवस्था का मूल रूप परमाणु है, मूल स्वरूप परमाणु है, और परमाणु में व्यवस्था का जो आधार है वो है मध्यस्थ क्रिया। तो ये मध्यस्थ क्रिया का स्वरूप हम समझना चाहते हैं, क्योंकि आज तक जो भी प्रकृति के बारे में कहा गया है या कर्म, हाँ आज एक मिनट में बात करेंगे, ठीक है, ठीक। आज तक जो कुछ भी प्रकृति के बारे में कहा गया है वो या तो ये कहा है एक दूसरे के प्रभाववश सब कुछ चल रहा है, वो ऐसा सत्य है, या फिर ऐसा कहा कि ईश्वर की मर्जी से चल रहा है, ठीक है, वो दोनों के अलावा भी जो अपन कह रहे हैं उसे वो बात पर आप सुनना चाहते हैं। हाँ, मध्यस्थ क्रिया परमाणु के स्तर के ऊपर किस प्रकार, मध्यस्थ क्रिया का क्या मतलब? जी परमाणु में क्या देखने को मिला? जी ये मिला है तो स्वयं को संतुलित बना के रखता है। कैसे संतुलित करता है? नाभिकीय वस्तु, नाभिकीय द्रव्य जो है ना, जो स्पिन मोशन करते हैं, है ना, और बाकी जो है ना स्पिन मोशन भी वर्तुलात्मक गति भी करते हैं। ये जो वर्तुलात्मक गति करते समय में बहुत पास में आना, किसके पास? नाभिक के पास, नाभिकी के पास, तो अथवा दूर भागना, ये संभावना बना रहता है। उसको जो है ना यदि दूर भागते हैं तभी, पास में आते हैं तभी, उसको सटीक अच्छी दूर में रख करके अपने को संतुलित बनाए रखने के लिए काम करता रहता है हर परमाणु में। स्वयं में संतुलित रहने से क्या फायदा हो गया? कुछ अपने संपूर्णता के साथ स्वसहित व्यवस्था में प्रवृत्त हो, फलन उसका फलन क्या हुआ? आगे के लिए पूरक हो गया, रसायन संसार के लिए पूरक हो गया, आपके सामने है भूत जैसा, ठीक है, उसको कुछ भी न कहने, सिर्फ इरादा दिमाग से, हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे? हाँ, उसको कुछ भी कर ले, हाँ, पागलपन से, हाँ, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अभी तक जो स्वयं स्फूर्त विधि से, हाँ, जो व्यक्त हुआ है, हाँ, सह अस्तित्व, हाँ, वो इसी विधि से हुआ है, जिसको हम देखा हो। ठीक बात बाबा जी, इसमें आपने ये कहा क्या मतलब हुआ? हाँ, जितने भी जो पास में आता है, हाँ, उसको भी संतुलित करता है, हाँ, या दूर भागने के लिए कोशिश करता है, वर्तुलात्मक गति में काम करते हैं उन पर, उन अंशों को, हाँ, संतुलित बनाए रखता है मध्यांश। अच्छा। इसका नाम मध्यस्थ क्रिया। अच्छा। मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल। अच्छा। मध्यस्थ क्रिया कहाँ से शुरू हुआ? सत्ता में भीगे रहने के आधार पर हुआ। अच्छा। क्रिया, अच्छा, वो दो प्रकार से हुआ, हाँ, स्थिति गति, हाँ, स्थिति स्थिति में हम बल कहते हैं, हाँ, उस गति में शक्ति कहते हैं, हाँ, नाम कर्म, हाँ, स्थिति गति होता ही है, हाँ, स्थिति का नाम है बल। अच्छा। गति का नाम है शक्ति। क्रिया कहाँ से शुरू हुई? मध्य सत्ता में संपृक्तता शुरू हुई, वहां से शुरू है सभी वस्तुओं का, माने मानव भी वैसे ही है और एक परमाणु भी वैसे ही। तो सत्ता में संपृक्तता वश क्रियाशीलता, हाँ, मध्यांश की जो क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता, हाँ, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के आधार, क्रियाशीलता का व्यक्त होने गया उसका नाम है स्थिति गति। हाँ। स्थिति में जो है ना शक्ति बल का नाम दिया है, हाँ, और गति का, गति में जो कार्य होता है उसका नाम है शक्ति। हाँ।
ठीक है ना। ठीक बात, यहाँ तक कि पहले इसको हजम करने की बात। ठीक, इससे क्या होता है, मध्यस्थ क्रिया से परमात्मा में क्या लाभ हो, स्वयं स्फूर्त जिसे कार्य करना, दरुत्व से व्यवस्था होना और पूरकता उपयोगिता सिद्ध होना। हाँ। इतना इतना प्राण वहीं से शुरू होगा। हाँ। पूरकता भी सिद्ध हुआ, उपयोगिता भी सिद्ध हुआ, क्रियाशीलता भी सिद्ध हुआ, बल भी सिद्ध हुआ, गति भी सिद्ध हुआ। हाँ। ठीक, अब बताएं तो कितना जल्दी, इतने बात को अपन ये 700 करोड़ आदमी के बीच में कहीं भी नहीं पाएंगे, इतना कंक्लूशन, ये कंक्लूशन नहीं। 700 करोड़ आदमी एक तरफ खड़ा है कतार में, ये कंक्लूशन पाना ये 700 करोड़ आदमी के बीच में नहीं है। अभी कंक्लूशन के ऊपर बात करना है ना, नहीं है। ये भी याद रखने की बात बाबा जी, थोड़ा सा हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि मध्यांश जो है वो निश्चित अच्छी दूरी बना के रखता है, जो अच्छे दूरी को बना के रखता है, वर्तनात्मक गति में जितने भी अंश रहते हैं। तो ये जो है, ये जो बनाए रखने वाली जो क्रिया है उसको मध्यस्थ क्रिया, उसको मध्यस्थ क्रिया, ये सम विषम क्रिया से भिन्न है। हाँ। है ना, ये हाँ। जो वर्तुलात्मक क्रिया जो कर रहे हैं वो सम विषम कर रहे हैं, उसको हम शक्ति माना ही नहीं, वस्तु ताकत माना ही नहीं है उसको। आप मानव परंपरा 700 करोड़ में अभी तक जितना गोता लगाया हाँ। कचरा कारखाने में हाँ। अभी तक इसको मानने की जगह में नहीं आया। इसीलिए आपको तकलीफ हो रहा है। हाँ, उसी को दूर करने परंपरा के मैं आप लोग माहिर हैं। हाँ, हाँ। परंपरा के जो कुछ भी देन है उससे आप लोग माहिर हैं, आपको इसी में तकलीफ हो रहा है। हाँ बाबा, आपकी नई बात को बाबा थोड़ा सा समझने का कोशिश कर रहे हैं ना। समझना कोशिश से मतलब नहीं है, समझ रहे हैं, समझना है, समझना ही है। ठीक है बाबा, इतना ही। ठीक है बाबा, तो आपने जो ये सम विषम जो क्रिया जो वर्तुलात्मक कर रहे हैं उसको उसको शक्ति माना ही नहीं। हाँ। है ना, शक्ति जो स्थिति को नहीं माना, शक्ति को माना, बल को नहीं माना, अभी उसी को शक्ति को ही कभी बल मानते हैं, गति मानते हैं, शक्ति मानते हैं। विज्ञान, विज्ञान विज्ञान की जो बात है ना, अभी आपने जो कहा है कि मूल जो शक्ति है वो स्थिति में होता है, बल जो है स्थिति में होता है, गति में शक्ति होती है। शक्ति बारंबार दोहराता है निरंतर रूप में परमाणु। हाँ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, इसके आधार पर पूरा भौतिक क्रिया है समर्थ हुआ। हाँ। भौतिक क्रिया समर्थ होने का क्या मतलब, भौतिक क्रिया में जो ना परमाणु में गठन पूर्णता तक विकास क्रम सिद्ध हुआ, स्पष्ट जिसको मैंने देखा। विकास क्रम जो है ना, विकास क्या है, गठन पूर्णता, परमाणु में गठन पूर्ण हो जाना, क्या स्थिति को पहचानना, एक गठन विकास, विकास को पहचान, विकास को पहचान, और उसके पहले की सभी बात है ना विकास क्रम में है, ऐसा बताए। ठीक है ना, विकास क्रम में ही व्यवस्था शुरू है। अव्यवस्था से कोई विकास होता ही नहीं। हाँ। मानव का विकास हुआ कि ह्रास हुआ, ह्रास हुआ। और कुछ बताना है एविडेंस, मानव जात का अभी बिल्डिंग हकते हैं, विकास हो गए, आप भी तो कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। मानव का ह्रास हुआ कि विकास हुआ उसको पहले निश्चित करो, कितने पर वही निकलता है जो आपके मुखारविंद से निकल गए, मानव का ह्रास हुआ। हाँ। ऐसा समझ रहे, ये बात यदि आता है
तो विकास होना चाहिए कि हर बात ऐसा शुरू होती है। तो उसके लिए सब दिया है। जबकि एक परमाणु विकास व्यवस्था में जीता है रहता है तो मानव को कौन सा आपत्ति हो गया भाई। अच्छा, इस आधार पर परमाणु को विज्ञानियों ने पहचाना है माना जाए, नहीं पहचाना माना जाए, परमाणु को पहचाना है ये ना माना जाए, ये नहीं माना जा सकता। परमाणु को विज्ञानी पहचाना है ये माना नहीं जा सकता, नहीं माना नहीं जाए, ये कहा जा रहा है। कहाँ पहुंच है अभी नहीं पहचान पाए, AIT के स्टूडेंट है आपके सामने बैठा जी। क्या क्या जाए, जब विज्ञानी का हालत ऐसा है, ज्ञानी का हालत ऐसा हो गया राज्य में फंस गए, तो विकल्प के अलावा क्या नाम है इसको, इस पूरे मेथड को अपन विकल्प नाम देने के अलावा क्या किया जाए। बाबा जी थोड़ा सा और प्यार से, है ना, ठीक। ये जो मध्यस्थ क्रिया है इस, ये जो प्रभाव डालता नाम, है नाम दिया है मध्यस्थ क्रिया, हाँ, नाम जो मध्यस्थ करता क्या चीज है, मध्यांश जो दूर भागने वाले अर्शित अंशों को या पास में भागे आने वाले को अच्छे दूरी में रख करके व्यवस्था को बना के रखता है। व्यवस्था में रखने के बाद काम कर रहा है, इसका प्रमाण क्या है, स्वसहिता यथास्थिति अपने में संपूर्णता के साथ था। माने पूर्णता संपूर्णता के साथ सभी रहते हैं, जड़ प्रकृति पूरा संपूर्णता के साथ स्वसहित व्यवस्था, ठीक है ना। मानव जो है ना मतलब ज्ञान ज्ञान अवस्था के होने के कारण ज्ञान पूर्वक क्या क्या जो मानव चेतना ज्ञान है वो ज्ञान मानव चेतना पूर्वक सहित व्यवस्था है, मानवत्व सहित व्यवस्था, जीव चेतना मानव का सहित व्यवस्था होता है, ठीक है ना। जीव चेतना कैसा बात है, वंश के अनुसार शरीर के शरीर वंश के अनुसार है, वंश के अनुसार जीवन काम करता है, इसको इसको क्या कहा है, वंशानुसंगी व्यवस्था, ठीक है। तो मच्छर भी ऐसे ही करता है, चींटी भी वैसे ही करता है, हाथी हाथी भी वैसे ही करता है, इसको देखा जा सकता है जी, ठीक है जी। ये सब यदि अपने सामने स्पष्ट है तो तब ये पता लगता है जीव चेतना विधि से मानव जो है ना मानवत्व को प्रमाणित नहीं करेगा। मैं जीव चेतना विधि से क्या वस्तु हुआ हुआ क्या पूछा जाए तो सकल अवैध बात को वैध माना, उसका दो दो भाग हुआ, शिक्षा में जो उन्मादो त्रय दिया, बाल सिक्योरिटी में सभी अपराधों को वैध मान दिया, सकल अपराध कोई अपराध बचा नहीं, कोई बचा है नहीं, सब वैध, सब अपराधों को वैध माना है कि नहीं माना है बाल सिक्योरिटी में, आतंक बम डाल सकते हैं उसके बाद क्या, उसके बाद क्या बात कर सकते हैं, ये सभी आए, ठीक है ना। मानव में जो है कई को आटम बम न डालने का परिकल्पना कैसे आ गया, क्योंकि मानव के पास कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता प्रकृति प्रदत्त सहअस्तित्व सहज प्रदत्त, कैसे प्रदत्त है वो उसके लिए कहा लिख दिया है, लिखे दिए है कि सहअस्तित्व स्वयं मानव को अपने प्रतिरूप में तैयार किया, वो मर्यादा को ना समझते है वैसा कल अपराध कर डाला, इतने तो बात हुई छोटी सी बात जी। क्या किया जी, यही बात, इस ढंग से हम मध्यस्थ बल को मध्यस्थ शक्ति को हम पहचानने की आवश्यकता है, कई के लिए स्वयं नियंत्रित रहने के लिए मनुष्य क्या किया है, अपने में नियंत्रित रहने के लिए मध्यस्थ बल को मध्यस्थ शक्ति को प्रयोग किया, नियंत्रित रहना कई के लिए स्वयं में उपयोगी सिद्ध होना और आगे के लिए पूरक सिद्ध होना, इस कड़ी के लिए वो सब काम किया है, ठीक है ना। वो प्रकट है, प्रमाण है और उसको अध्ययन कराया जा सकता है, किया जा सकता है। और आगे तो पारगाम्यता वश
मध्यस्थ बल और शक्ति का प्रदर्शन है। वो ठीक है, बल संप्रदता है। देखो वो सीक्वेंस को तोड़ करके अपन कभी नहीं पा पाएंगे। ठीक बात, कभी को एक कड़ी को छोड़ करके एक कड़ी को लेकर के हम अध्ययन किए नहीं, ऐसा होता नहीं, पूरे को लेकर के। तो पारगामिता किसका है? व्यापकता, व्यापक वस्तु की है। किसमें? परमाणु अंश में भी हाँ। और परमाणु में भी हाँ। अणु में भी हाँ। अणु रचित रचना में भी हाँ। सब में, मानव में भी हाँ। तो जड़ प्रकृति में भी, चैतन्य प्रकृति में भी पारगाम। इस ढंग से पारगामी होने से वस्तु क्या हुआ? भीग गया। अच्छा, सत्ता हाँ। फलस्वरूप बल, बल संपन्नता। अच्छा, उसका नाम दिया है चुंबकीय बल संपन्नता। ठीक, बोलिए सर, इसको पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पकड़ना पड़ेगा, पड़ेगा ना। अब चुंबकीय बल संपन्न होने के फलस्वरूप जब परमाणु, उसका प्रमाण प्रस्तुत किया, दो अंश मिलकर के ही एक परमाणु का संज्ञा बनता है, अकेले में परमाणु बनता नहीं। ठीक है, इस ढंग से हर परमाणु एक दो अंश से लेकर 275 अंश तक की बना हाँ। उसको दो दो भाग हो गए हाँ। भूखे परमाणु, अजीर्ण परमाणु दो प्रजाति की हो गए हाँ। दोनों अपने संपूर्णता के साथ त्वासहित व्यवस्था में होते हैं। अजीर्ण परमाणु भी ऐसे ही है, कामे करता है, वह संतुलित रहता है। अजीर्ण परमाणु भी जो अपने से एक अंश को छोड़ना चाहता है वो भी संतुलित रहता है। वो छोड़ते समय में आवेश माना जा सकता है, आदमी जात है, मानव का अध्ययन से वो परिहार होता है। मानव संतुलित रहे बिना त्यागता नहीं, संतुलित रहे बिना किसी की कोई भी वस्तु को त्याग त्यागना है। ठीक बात, अनावश्यकता को त्यागना है तभी भी संतुलित रहना है हाँ। संतुलित, आवश्यक वस्तु को त्यागना है तभी भी संतुलित रहना। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर है बाबा, क्या बात, क्या जग, क्या जुगाड़ रखा है। इस तरह से जो ना जो इसके इसके मानव का मिसाल देते हैं, तब परमाणु के साथ जाते हैं पता लगता है। परमाणु यदि देते समय में भी अपने संतुलन के साथ है देता है, अपने स्वेच्छा से देता है, अपने स्वयं प्रक्रिया के साथ देता है, कोई कहने पर देता है, मजबूरी करने पर देता है नहीं, अब स्वयं स्वप्रति से करता है, ये निकलता है। इस ढंग से हम देखे हैं, हम ऐसे जैसा एक परमाणु को ग्रहण करते समय में, देते समय में आवेश जैसा हमको लगता है वो है खुशहाली की डेंस। नर्तन को अपन आवेश कह सकते हैं, आवेश ठीक नहीं लगता शब्द, नर्तन जो है ना आवेश से हो सकता है, नर्तन तो खुशहाली से हो सकता है, बात ऐसे ऐसा माना जा सकता है। ठीक है ना, मानव में कल्पना की दौड़ है बहुत सारा है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी सोच सकता है, किंतु है तो ये कुल मिलाकर के व्यवस्था के अर्थ में है। मानव का तैयारी तक, मानव तैयारी होने के बाद व्यवस्था किया, अव्यवस्था किया उसका करना है, उसका अध्ययन है। मानव जात व्यवस्था के लिए जिया, व्यवस्था के लिए जिया, उसको सोचा जाए। यदि व्यवस्था में जी रहा है व्यवस्था के लिए सोचा जाए, यदि व्यवस्था में जी रहा है उसका परंपरा बनाए के रखा जाए, क्या बोले, किसका पक्ष है किसका विपक्ष है बता, बैठे व्यवस्था का पक्ष लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये देखोगे और व्यवस्था के बारे में हमको आवश्यकता है कि नहीं है उसको पूरी सोचा जाए, जो उसके लिए क्या है कि सामने अभी तक जैसा भी एंड बंड किया ठीक है, तो उसका जो परिणाम जो है ना अपने को स्वीकार होता है कि नहीं होता है उसको भी सोचा जाए। धरती बीमार हो गया, इसमें भागीदारी करना अपने को स्वीकार होता है,
नहीं होता। और बॉर्डर सिक्योरिटी में से के लिए सभी अपराध हमको वैध माना, यह अपने को स्वीकार होता है। लाभोन्माद भोगोन्माद कामोन्माद शिक्षा रहते हमारे संतान को कैसा सुशील बनाए ना, इसको सोचने पर कहाँ पड़ते हैं आप ही सोच अपने ही संतान को। ये ऐसा तो काम फैल गए हैं, ठीक है ना। हर व्यक्ति सोचने के लिए अधिकारी है, ये भी नहीं एक व्यक्ति सोचेगा सब तर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हर व्यक्ति सोचने के अधिकार है और हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है समझ के जीना। ऐसा हम ट्रेस किया मानव जाति को, हर व्यक्ति सोचना योग्य, ठीक है ना। सोचना योग्य नहीं है इसका मतलब भैरोगी है, पूरा हो गया। इस ढंग से समयम क्रिया को हम देख सकते हैं, मानवता पकड़ा है, कुछ बनाना कुछ भी करना, क्या बनाना बिगड़ना, भौतिक रासायनिक वस्तु को बनाना बिगाड़ना, स्वयं को बनाना बिगाड़ने के बारे में सोच भी नहीं किया। 700 करोड़ आदमी खड़े हो गए, क्या किया जाए, स्वयं को बनाने के बारे में बिगाड़ने के बारे में सोचा नहीं। बनाने बिगाड़ने का काम भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ जो सोचा है अभी तक। अभी आदर्शवाद ने स्वयं को बनने के बारे में सोचा, वह भक्ति विरक्ति मेहनत कर दे, भक्ति विरक्ति सदस्य मेहनत हो गए दफना गए, ठीक है, ये समय में आ गए। विगत की पूरा कथा है, दो शब्द में पूरा होता है। ऐसी स्थिति को क्या किया जाए, इसमें समयात्मक क्रिया को हम बिगड़ने के रूप में बनाने के रूप में माना है। वो रासायनिक भौतिक वस्तु के सीमा तक ही सीमित है अभी तक। अच्छा, उसको व्यापार से जोड़ दे, बनाना भी व्यापार है बिगाड़ना भी व्यापार, ये हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, लोग जोड़े हैं कि नहीं, बिल्कुल जोड़े। अब उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए विकल्प को ही सोचना पड़ेगा अपने। हम मध्यस्थ क्रिया पूर्वक ही हम न्याय पूर्वक ही पाते हैं, समाधान पूर्वक ही पाते हैं, सत्यता को प्रमाणित कर पाते। सत्यता क्या चीज है बताया, सहज तत्व ही परम सत्य, इनका हो गया बाबा, तुम्हारा लावना जल्दी है, हो गया बाबा, वही आप लेते रहे तो ले ले। चाय काफी मिला कि नहीं, जी मिला, मिला है, अंबाजी हमको देती है जी, हम चाय काफी पीता नहीं हो तो तब भी देती है। ये क्या चीज है बाबा, दूध है, घर में गाय होने की सुख है नहीं तो दूध कहाँ मिलने वाला है, ठीक है, कहाँ मिलता है।
तुरंत रिप्लाई करना है क्या? हाँ नहीं बाबा, रिप्लाई भी करता है जी दादा, कोई कोई देखता होगा।